हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बसंत कुमार। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से विभिन्न संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए। देखिए कितना जल्दी हम लोग, एक मिनट भी नहीं लगेगा एक स्क्वायर को निकालने के लिए। आइए हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकालने के लिए। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे 100 से ऊपर वाली संख्याओं का, 100 से ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर निकालने का तरीका। जैसे 100 से ऊपर वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि 101 हो सकता है। और स्क्वायर मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। मतलब 101 का स्क्वायर कहने का मतलब 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या हो सकता है, 102 का स्क्वायर, ऐसे ही 104 का स्क्वायर। दो चार लिख रहा हूं मैं आप लोगों को सिखाने के लिए। 106 का स्क्वायर ऐसे ही हो सकता है, 109 का स्क्वायर ऐसे ही हो सकता है, आगे चलते हैं तो 112 का स्क्वायर ऐसा हो सकता है। तो देखिए कितना जल्दी हम लोग स्क्वायर 100 से ऊपर वाली संख्याओं को निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि 104 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है। तो देखेंगे कि 104 जो है 100 से कितना अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 अधिक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 104 जो है 100 से कितना अधिकता, 4 अधिकता, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 लिख दिया हम लोगों ने। तो पहली बार में 2 अंक लिखना है, याद रखिएगा पहला बार में 2 अंक लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, लिख दिया, क्योंकि ये 4 अधिक था 100 से। अब 104 जो है 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 104 में 4 और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 108 आ जाएगा, लिख दीजिए, ये आपका 104 का स्क्वायर हो गया। देखिए कितना ईजी है। एक और देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 106 का स्क्वायर, इस बार कह रहा है 106 का स्क्वायर कह रहा है। तो 100 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 लिख देते हैं। पहली बार में 2 डिजिट लिखने हैं, याद रखिएगा पहला बार में कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट होना चाहिए, लिख दिया हम लोगों ने। अब फिर से सोचेंगे 106 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 और ऐड कर देंगे। तो 106 में 6 और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 112। तो ये आपका 106 का स्क्वायर हो गया। हो गया, बातें समझ में आई। तो एक ये वाला देख लेते हैं, 102 का स्क्वायर कैसे होगा। तो देखिए, तो 102 जो है 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 लिखें, तो 4 जब लिख रहे हैं हम लोग तो एक डिजिट हो रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहली बार में कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। तो इसको 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 40 लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। 4 हमें लिखना है तो 04 लिख सकते हैं क्या, 04 लिखने से 4 ही हम लोगों ने लिखा है ना, लेकिन इसको 2 डिजिट में करके लिखा हम लोगों ने। बातें समझ में आई। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट लिखना था चूंकि हमें, तो 04 लिखेंगे, ठीक है। 102 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 104 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कितना ईजी है, 102 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। 101 का स्क्वायर करते तो 1 अधिक था, तो 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 01, ठीक है, 2 डिजिट में। अब 101 जो था 100 से 1 अधिक था, तो 1 और ऐड कर देंगे, जितना अधिक रहेगा उतना ही ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 102 आपका 101 का स्क्वायर निकल गया। और एक यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, ये 112 है, कितना है, 112। ये 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, नहीं 12 अधिक है, तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर तो हम लोग जानते ही हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 144 लिखने से 3 डिजिट हो गया, कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट। लेकिन मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि फर्स्ट टाइम में 2 डिजिट ही लिखेंगे, कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। तो इसको 2 डिजिट में लिखना है, मतलब ये एक क्या रखना होगा, हासिल रखना होगा, शेष रखना होगा, पॉकेट में रखना होगा, ठीक है। अब 112 जो था 100 से कितना अधिक था, तो 12 अधिक था, तो 12 और ऐड कर दो, तो 112 में 12 और ऐड कर देंगे, तो 124 हो जाएगा। और एक पॉकेट में जो शेष रखे थे हम लोग, उसको निकाल करके ऐड कर लेते हैं, तो 124 और एक पॉकेट वाला कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, बातें समझ में आई। तो ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग बना करके बताइएगा कॉमेंट में 109 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि 100 से नीचे वाली संख्या, 100 से नीचे वाली संख्याओं का वर्ग कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए ये भी एकदम तरीके से हम लोग सीखेंगे जल्दी, ठीक है। आइए 100 से नीचे वाली संख्या, 100 से नीचे वाली संख्याओं को देखना है हमें। तो 100 से नीचे वाली संख्याएं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकते हैं। तो देखिए आजू बाजू वाला लेते हैं, 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर हो सकता है, 97 का स्क्वायर हो सकता है, 94 का स्क्वायर हो सकता है, 91 का स्क्वायर हो सकता है,
है, हो सकता है ना 89 का स्क्वायर हो सकता है, क्लियर है। चलिए आइए सीखते हैं। अभी 100 से ऊपर नहीं है क्योंकि 100 से क्या है, नीचे है। 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कितना जल्दी निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं 97 को हम लोग ले रहे हैं, 97 का स्क्वायर, डेट मीन्स समझ पा रहे हैं आप लोग कि 97 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम टेकन है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन ये देखिए जल्द सेकंड में ही बन जाएंगे। अब चूंकि देखिए 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, कितना कम है 100 से, 97 जो है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन अभी मैंने सिखाया है कि दो डिजिट में लिखना है, तो 09 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 09, दो डिजिट में लिख दिया। 100 से कितना कम था 3 कम था, 100 से कितना कम था 97, 3 कम था, तो 3 और कमा दो, 3 और कमा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 94, ये आपका हो गया 97 का स्क्वायर, क्लियर। देखिए कितना इजी है, 100 से नीचे रहेगा तो माइनस करेंगे, 100 से ऊपर था तो प्लस करते थे, जैसे यहाँ 94 है, 94 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, कितने कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दो, लिख दिया हम लोगों ने, दो डिजिट में है ना, पहली बार में दो डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अभी 6 कम था तो 6 और कमा देते हैं, 100 से 94 जो था 6 कम था, तो 6 और कमा दो, 6 और कमा देंगे तो क्या मिलेगा 88, मतलब 8836 इसका स्क्वायर होगा, किसका 94 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए तो 91 दिख रहा है, 91 जो है 100 से कितना कम है, 9 कम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 हो जाएंगे, 81 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी कितना कम था 9 कम था, तो 9 और माइनस करना है, 9 और माइनस इसमें 91 में करेंगे तो क्या मिलेगा 82, मतलब 8281 हो जाएगा, क्लियर है 91 का स्क्वायर। अब एक देख लेते हैं 89 को देख लेते हैं, ये तो 11 कम है, नहीं 11 कम है तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 11 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं हम लोग, है ना, तो 11 का स्क्वायर करना है हमें, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 तीन डिजिट हो गए, तीन डिजिट पहली बार में लिखना नहीं है, तो एक कहाँ रहेगा हासिल के रूप में हमारा रहेगा, मतलब हमारे पॉकेट में रहेगा अभी के लिए, फिर बाद में देखिए इसको ऐड करेंगे। अब 89 अब क्या है, एक मेरे पॉकेट में है, ठीक है। अब 89 जो था 100 से कितना कम था, 11 कम था, तो 11 और कमा दें, हाँ इसको में से 11 और कमा देते हैं, तो 11 और कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 78, और एक पॉकेट वाला था, तो पॉकेट वाला कमाएंगे या फिर जोड़ेंगे, तो याद रखिएगा पॉकेट मतलब हासिल है, ये हमेशा झूठेगा, ठीक है। तो 78 11 घटाने से आया, और एक पॉकेट में था, तो 79 मतलब 7921 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ, एक आप लोग के लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 98 का स्क्वायर कैसे होगा जल्द से करके। तो देखिए 99 है, 99 जो है 100 से कितने कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 01 लिखेंगे टू डिजिट बनाने के लिए, ठीक है। अब 100 से ही 1 कम था, तो 1 और माइनस कर दें तो 98 हो जाएगा। देखिए एक ही बार में झटके से 10 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर आप लोग निकालना सीख गए, 100 से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या। तो बताइए आप लोग कैसा लगा आप लोगों को स्क्वायर सीखना, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।